गुरु तो हर समय मिल सकता है, गुरु की फोटो भी मिल सकती है, गुरु से सत्संग में बात भी हो सकती है, गुरु के मुख से सुन सकते हो। प्रभु तो दर्शन ही देंगे, चाहे निरंकार है, एक झलक देंगे फिर गुम हो जाएंगे। तो साजो कहती है उसने, तब जब भी जितना लिखा है मैं बताऊंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता बात करता हूं। तो सित्री प्रेम से जाती है, उसको ध्यान जो है उसके लिए कठिन चीज, इसलिए जो पराभक्ति में है सतगुरु ही सब कुछ, उसमें सतपुरुष तो कभी भी मिलते नहीं, उसमें वर्जित है सीधी भक्ति सतपुरुष की करनी, वहां तुम सीधे नहीं जा सकते, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं कोई कोटन करे उपाय। गुरु गुंगे गुरु भावरे, सतगुरु गुंगे सतगुरु भावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया नरक में, जे वो भेजे मानसरोवर तो सतलोक की रखिया। हम ये क्यों कोई नरक स्वर्ग से हमें क्या दे, जे वो भेजे मानसरोवर तो सतलोक की रखिए आस। तो प्यारी सत्संग जी, मैं बड़ी चेष्टा करता हूँ आपको समझाने की, एक एक चीज लेके आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन देख लो दोया अभी एक ही हुआ। साहब जी शब्द से भीतर मैं सुरती ज्योत जगती रहती रे, अंदर ज्योत जगती रहती, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चराग, बिन दिया बिन बाती जरे दिन राती, जो कोई सुने आवाज काहे सुनाओ नहीं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चराग, रोशनी तुम्हारे अंदर है और वो हर समय तुम्हें राह दिखाती है। और जब तुम साधु बन जाते हो या फकीरी आ जाती है तो कंकर गिरना शुरू हो जाए, अपने आप बाहर का संसार तुम्हारा छूट जाए। अब जा गई चिंता गई, सुरती बेप्रवाह, अब वही शहनशाह, अब उसे वो ग्रस्त में रह के भी सन्यासी, वो ग्रस्त में रह के भी भाव को बदल, भाव बदला तो कौन सित्री कौन पुरुष कौन बेटा कौन बेटी, भाव बदल गया, सब संसार छूट गया, सब एक जैसे दिखने लगे, सब हंसा रूप प्यारे, किसको कहूँ अच्छा और बुरा प्यारे। मैं एक बात और आपसे कर देता हूँ, आपको मैंने कल भी कहा था माँ की दशा बताऊंगा। माँ अपने बच्चे के लिए गुरु भी होती है, भगवान भी होती है, साधु भी होती है और फकीर भी होती है। गुरु भगवान साधु और फकीर, ये चार गुण में उसमें होते हैं, और पांचवा होता है वो प्रेम की डोरी से उस बच्चे से बंध जाती, प्रेम की डोरी से बंध जाती है और खुद कंगाल हो जाती है, उस बच्चे के अंदर अपना सब कुछ निछावर कर देती। मैं अभी आपको बताऊंगा सौतेली माँ और रियल माँ, और अगर रियल माँ से कहो कोई कहे तुम्हारा बेटा आज इंजीनियर बन गया, डीसी बन गया, तुम सेक्रेटरी बन गया, ये क्या किया तुम, माँ ये नहीं कहेगी कि मैंने क्या किया, वो कहेगी मेरे से बड़ी खामियां हुई, फलां जगह पे मुझे ये करना चाहिए था मैंने नहीं किया, फलां जगह पे मुझे ऐसे उसको रखना चाहिए मैं ना रख पाई, फलां जगह ये बीमार हुआ मेरे से ये गलती हुई तो वो बीमार हो गया, उसका टाइम पढ़ाई से ज़ाया हो गया। वो अपनी गलतियां बताना शुरू करेगी, वो अपने गुण नहीं बताएगी कि मैंने बेटे के लिए क्या किया, वो अपनी खामियां याद रखती है, गुण कभी याद, गलती जो हो जाए वो बड़ी तड़प उठती है, ये मैंने क्या कर,
कभी पानी रखा था तो बच्चा छोटा, उसका पता नहीं वो गर्म पानी था, वो रिंगता रिंगता वहां पहुंचा और पानी वहां डाल आ जल। अब माँ अपने आप को बख्शती, वो पल पल अपने आप को पूछती मैंने क्या कहा। अब बच्चे की मरम पट्टी सब कुछ होती है, डॉक्टर के पास दे जाती है, सारा कुछ करती है, पर अपना ही रोना रोती मेरे से बड़ी गलती है, तो मैंने गिलास का पानी वहां रखा क्यों जहां वो बच्चा पहुंच सकता था। तो प्यारे सत्संग जी वो अपने अवगुण बताती है, अपने गुण नहीं बताती। तो आप भी देख लो वो फकीर है ना, इसलिए माँ भक्ति की दुनिया में आगे ही लगी है, बस उसको रास्ता बताने वाला होना चाहिए, वो तो भक्ति में पहुंच जाए। मेल तो कुछ पीरियड के लिए घर आता है, उसको दोस्तों में, बिजनेस में, सो चोरों चकारी में लगा रहता है। इवन माँ सर्विस भी करती है तो घर आके सारा काम पूरी तरह से लगन से, वो अपने आप को कभी नहीं कहती मैं थकी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, लेकिन अगर सुतेला बेटा हो, किसी दूसरी शादी पर आई हुई हो, तो उस बच्चे के लिए कोई पूछे तो वो जो कुछ उसने किया है वो बताती और बड़ा चढ़ा के बताती। अब वो ये नहीं बताती मैंने क्या उसके लिए, वो कहती मैंने ये भी इसके लिए किया, मैंने ये भी इसके लिए किया, ये भी, ये नहीं मेरा बन, मैंने तो इसके लिए सब किया। वेदा इसलिए सुतेले के लिए गुण बताती है और अपने के लिए जो अवगुण हुए होते हैं वो बताती है। ये माँ की निशानी, लेकिन है वो प्रेम की देवी। प्रेम की दुनिया में जितनी तीव्रता से तुम जाने नहीं देते, ये बात है, मेल लोग स्त्री को भक्ति की दुनिया में जाने नहीं देते, इतनी सख्त लगाम रखी होती है कि मैं क्या बताऊं। मैंने अपनी संगत में ऐसी लगामें रखी हुई हैं अपनी स्त्रियों पर के पूछो मत, और कहते हैं हम भगत, वो पहरेदार हैं उनके, सिप्पा सलार हैं उनके, गलामी की जिंदगी उनको व्यतीत करवाते हैं। ये तुम संसारी, तुमने तो उन्हें दो पैसे की आजादी नहीं देते, कहीं ये किसी के प्रेम के चक्कर में ना, जैसे तुमने उनको गलामी के लिए खरीदा है और गुलाम बना के रखना चाहते हो, फिर खुद को कहते हो भक्ति करना चाहते हो, तुम कैसे भक्ति कर सको। तुमने एक को जंजीरों में बांध के रखा है और अपने आप को आजाद समझते हो, वो बेचारी नहीं तुम्हें जंजीरों में बांधती, तुम उसे बांधते, तुम जहां जाओ वो कभी नहीं पूछती, लेकिन एक जगह वो चली जाए कहां गई थी, इतना आधा घंटा कहां लगाया, कहां थी, किसके पास थी, कोई सवालों का भंडार लग जाता और तलाकों की नौबत आ जाती। यही तो वेस्टर्न कंट्री में हो रहा, और क्या हो? पैसे से कोई अमीर नहीं होता, तुम अमीर होते हो ध्यान से और प्रेम से। ध्यान बढ़े तो भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े तो शक्ति बढ़े। ध्यान भी ले जाता है और शक्ति भी जब बढ़ती है तुम्हें और स्वच्छ से स्वच्छ करती चली जाती है। सुगंध है, सित्री सुगंध से आगे बढ़ती है और मेल चट्टान बन के ध्यान करता है एक चट्टान समान और अपने आप को पार करने की चेष्टा कर। नहीं, तुम पूर्ण ध्यान से कभी पार नहीं लगो। जब तुम्हारे अंदर 99% गुण फीमेल के आएंगे और एक मेल का रह जाएगा, तभी तुम सोच सकते हो कि सतपुरुष लेने आए। सतपुरुष नहीं लेने आता जिसमें मेल के गुण हो, ये याद रखना मैं सच बोल रहा। फीमेल के गुण तुम्हारे में जितने बढ़ते जाएंगे वो पास आता जाएगा। इसलिए लोगों ने जो सतपुरुष को पुरुष डाला है ये गलत हो गया, ये वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री।
वो 99 नहीं 100% वो सित्री के गुण रखते। प्रेम की ज्योत है, प्रेम से पिघलते हैं और प्रेम से ही मिलते हैं, वो चट्टान से नहीं मिलते। चट्टाने टूट फूट जाती है, घाटियां सदा रहती। घाटियां दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, पहाड़ों के पहाड़ टूटते चले जाते हैं। तुम पहाड़ की तरह जीवन व्यतीत करते हो, इसलिए मेल दिखावे के लिए बोध भक्ति में पहुंच नहीं पाते। फीमेल थोड़ा सा भी जो उसको मौका मिल जाता है, वो सतगुरु को अंदर से पकड़ ले और तर जाते, क्योंकि प्रेम गली अति साकड़ी जा में दो न समाए। वो अपने आप को समाती ही नहीं उस गली में, वो रखती ही वैको है। वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मिटा ही देती है। वो मिटा दे अपनी अस्थि को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, दाना कहाँ रह जाता। वो तो बिल्कुल मिट गया, एक रूट बन गई, एक शूट बन गई। और तुम जब तक जड़ के पास ही नहीं जाओगे, मूल को कैसे पाओ? मूल तो जड़ के पास से ही गुजरता है। कैसे पानी ले जाता है, मिनरल ले जाता है, कैसे पत्तों तक फूलों तक पहुंचाता है, वो रूट्स कितना काम करते। और तुम्हारी रूट ही जड़ हो गई तो कैसे प्रेम जगे? प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश दे न सके। कैसे प्रेम का नाम बोले? प्रेम से नहीं बात बनती, बिन प्रेम के कोई पार नहीं होता। तुम कोटों करो अपाए, इसलिए कहा सित्री के गुण जब आएंगे तभी तुम निज घर अपने जाओगे। इसलिए और कोई आसानी से सतगुरु नहीं बन पाते। कबीर जी में सारे वो गुण थे जो सित्री के होते हैं, पुरुष का गुण ही नहीं था। और मुझको देख तुम्हारे सामने, तुम डिसाइड करना मेरे गुण कैसे। अगर मेरे में मेल होते तो मैं लोगों मेलों से बहुत मिलता, किसी से भी नहीं मिलता, किसी एक से भी नहीं मिलता, एक के पास भी नहीं ठहरता, किसी मेल के पास मैं नहीं ठहरता। एक चीज और बता दूं, प्रश्न वो होता है जो गिर जाता है वही प्रश्न का उत्तर होता है। प्रश्न पूछने से बात बनती नहीं, वह तो मानी कहलाता है। प्रश्न गिर जाए तो प्रेमी कहलाता है। प्रश्न बढ़ा, उत्तर अपने आप मिल गया तो तुम ज्ञानी, तुम ध्यानी, तुम प्रेमी। प्रश्न वहीं का वहीं बना रहा और सतगुरु के पास भी पहुंच के वो प्रश्न रहा तो तुम कभी भी प्रेमी नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं। उत्तर गुरु को देखते ही, सतगुरु को देखते ही उत्तर मिल जाना चाहिए तो तुम ध्यानी भी हो तो प्रेमी भी। उत्तर ना मिला सतगुरु को देख के तो बस ये जानना, मुझे याद आता है मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ के डॉक्टर बनी है, तो उसकी जो शादी हुई है वो जज से हुई। और कुदरती है जब वो मेरी बातें करते तो वो बड़ा प्रभावित हुआ, तो वो दो बार मेरे आश्रम में यहाँ मुझे मिलने आया। तो मैंने एंड में खुद ही उससे पूछा कि तुम्हारा कोई प्रश्न? उसने पता क्या कहा? उसने कहा जब आप बोलते हो तो अपने आप को सारे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, उस वाणी में सारे मुझे उत्तर मिल जाते हैं, तो फिर क्या पूछूं, कुछ बचता ही नहीं। देखा,
इसलिए कहा कि जब तक पंडिताई है तुम पार नहीं हो, पंडिताई छूटे तो कुछ कुछ जल के प्रेम की बढ़े। तभी कहा तुम्हें अभी यही नहीं लोगों को पता साधु किसको कहते हैं, साधक किसको कहते हैं, संसारी किसको कहते हैं, योगी किसको कहते हैं, फकीरी किसको कहते हैं। फकीरी कितना प्यारा बात, ये वो फकीर नहीं है जो बाजारों में घूम रहे हैं तो ये फकीर जा रहे हैं। फकीरी बड़ी ऊंची अवस्था है। अब फकीरी में जब जाओ छलांग लगा के निज घर चले, फकीरी आई तो छलांग लगाना निज घर जाओ। पर फकीर अब कहता है क्या जाना, अब ड्यूटी यहां लगी है वही काम करना है तो जा ही रहा हूं, आंख बंद करी तो निज दाम। मैं आरती करता हूं जब शाम को, आरती में मेरी आंखें बंद होती है तो मैं निज दाम पे वही सतपुरुष के महल के बाहर, अंदर नहीं जाते, महल के बाहर वो सामने बैठे होते और मेरे बड़े साहब जी उसी तरह वहां दौड़ते दौड़ते दिखते। कभी उनकी दौड़ पूरी नहीं होती, वो दौड़ रहे हैं और मैं दर्शन पा रहा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मन लावो बोरो यार फकीरी, जो सुख पाओ नाम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में, गिरी जाएगी अमीरी। तो देखा एक दोए से इधर और एक दोए से ग्रंथ से सारा सत्संग पूरा हो, दो दोयों में सारा सत्संग अपना काम कर गया। लेकिन तुम बस मजा लेते हो, जीवन में उसे उतारते नहीं। जिस दिन तुम अपने जीवन में उतारोगे ना, मुझे सब कुछ ही आपका मिल गया, तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं, तो मैंने आपका सब कुछ पा ली, वो दिन आना चाहिए। मैं तो किसी का कुछ लूंगा ही नहीं ना लेता हूं, पर कम से कम तुम्हारे ठीक काम लगे इतना ही बार हो जाए तो बस बहुत अच्छी बात। जो तुम्हारे पास है वो अच्छे काम में लग जाए, तुम उसे ठीक इस्तेमाल करो। किसी की चोरी डाका दगाबाजी झूठ फरेब से ना कुछ लाओ, वही मेरे लिए बहुत है कि अगर ऐसा आप में आ जाए तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, और मुझे क्या चाहिए। लेकिन दूसरा दया हम पढ़ लेते, भीतर श्रुति का नाद उठत प्यारो सो सब शब्द से जान रहे। भीतर श्रुति का नाद उठत प्यारो, श्रुति का नाद उठे, तुम वो नाद अनहद नाद ना सुनो, श्रुति का नाद सुनो।